दोस्तों आपको आज के इस ब्लॉग में, और आज मैं आया हूँ श्योपुर जिले में। एक बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है जिसके बारे में एमपी जीके में भी कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, और बहुत सारे लोगों को, प्रैक्टिकली श्योपुर वालों को भी इसके बारे में जानकारी नहीं मिलती है। तो उस चीज़ को आज हम लोग देखने आए हैं। यह है शेरशाह सूरी के सिपे सलार मुनव्वर खां का मकबरा। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, और मेरे साथ, हमारे साथ में आए हैं आज चंद्र प्रताप सिंह। चंद्र प्रताप, कैसा लग रहा है मकबरा? अच्छा, चंद्र प्रताप बताते हैं कि हमने इसको बहुत दूर से देखा है, रोड से पीछे बगल में ही मेन रोड है, तो वहाँ से गुजरते हुए कभी पास नहीं गए। तो आज मैं भी बड़े दिनों बाद इस मकबरे में घूमने आया हूँ। और मैं बता दूँ कि सिपे सलार क्या होते हैं। एक प्रकार के सर्वोच्च सेनापति होते हैं। शेरशाह सूरी का आपने नाम सुना होगा, जिसको एक तलवार में शेर का वध करने के कारण शेर खान की उपाधि मिली, और बाद में शेरशाह सूर, क्योंकि सूर वंश कहते हैं, मुगल काल के दौरान, मुगल वंश के दौरान ही बीच में एक वंश आता है शेरशाह सूरी, जिसके संस्थापक होते हैं, उसी के प्रमुख सेनापतियों में से एक है शेरशाह सूरी के सिपे सलार मुनव्वर खान। तो उनका मकबरा यहाँ पर है, अब इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। आइए तो हम मकबरे की तरफ मूव करते हैं। तो एक्साइटेड हो इस रोड पर, अगल बगल में आप देख पाएंगे कब्रिस्तान भी बना हुआ है। और कैसा लगा आपको मकबरा देखते हुए? तो इसके आर्किटेक्चर में हमें बताया नमन भारती जी के द्वारा कि यह इस्लाम शाह के द्वारा बनाया गया था, और पठानी शैली में इसको बनाया गया है। तो कहते नई चीज़ हमें देखने को मिलेगी। मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे, गौर से बड़े बड़े पत्थरों को जोड़ करके बनाया गया है ये मकबरा। और बहुत ही, आप देखेंगे कि लगभग 6 शताब्दियाँ से का आसपास इसका समय हो गया है, उसके बावजूद भी अपनी वर्तमान इसी कंडीशन में खड़ा हुआ है। पुराने ज़माने की जो स्थापत्य कला थी, वो अपने आप में एक प्रकार से बहुत ही मजबूत हुआ करती थी। मैंने एक वीडियो आपको बताया था कि जिसमें किस प्रकार से एक छोटी सी बाढ़ आ जाने के कारण एक पूरी की पूरी जो पुलिया है वो बह जाती है, और यहाँ पर आज भी बड़े पुराने ज़माने में जितने भी स्थापत्य कला की जो चीज़ें बनाई जाती थी, वो मजबूती से खड़ी रहती थी, है ना। हमारे राजा महाराजाओं ने, कई सारे शासकों ने ऐसी कई सारी कलाकृतियाँ बनाई जो आज भी अपनी इंजीनियरिंग, अपनी कारीगरी का परिचय देती है। आइए इस मकबरे के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। पहले मैं, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगी राजेश भारती जी, तो उनसे जानना चाहूँगा कि इसके बारे में थोड़ा सा और हमें बताएं। राजेश, आप बताइए कि क्या इस मकबरे की क्या खासियत है? जी, ये मकबरा जो आप बता दिया गया है कि ये शेरशाह सूरी के सेनापति जी का मकबरा है, जो कि 1554 में बनाया गया था। इस्लाम शाह जो शेरशाह सूरी जी के पुत्र थे, उनके द्वारा बनवाया गया ये मकबरा है। जो ये मुनव्वर खां थे, वो शेरशाह सूरी के सेनापति होने के साथ साथ राजस्थान के गुगौर जो एक क्षेत्र है, वहाँ के शासक भी हुआ करते थे। वहाँ पर ये, वहाँ के जो ये शासक थे, उनके यहाँ पे जो मृत्युंजय का मकबरा यहाँ पे बनाया गया। चलिए राजेश, आप थोड़ा सा अंदर और बताएं इसके बारे में, मकबरे के बारे में। मतलब हम अंदर की तरफ चलते हैं। आप देख पा रहे होंगे इसके प्रवेश द्वार पर एक फूल गढ़ा हुआ है, फूल की तरह बहुत शानदार तरीके से इसके आर्किटेक्चर और पत्थरों पर ही इतने शानदार और नायब फूल। मैं चाहूँगा कैमरामैन कि इसके फूलों को आप गौर से दिखाएं, और बहुत ही बेहतरीन, अद्भुत नमूना हमें देखने को मिलेगा यहाँ पर एक नायाब फूलों का। अब मैं थोड़ा सा, हम लोग मकबरे के अंदर आ गए हैं। अब मकबरे के अंदर हम लोग देखते हैं, ये आप देखिए, ये कब्रें बनी हुई हैं उनकी, और आप देखिए ऊपर चारों तरफ षटकोणीय शैली, बाहर से दिखने पर ये चतुर्भुजीय शैली भी दिखाई देगा, पर अंदर से षटकोणीय रूप में, अष्टकोणीय रूप में ये घुमावदार मकबरा है बहुत ही। इसमें चार दरवाजे दिए हुए हैं, एक चार दिशाओं से आने के लिए, और आप
जालियां उसमें लगी हुई है, मतलब कि जो रोशनदान की तरह जालियां हैं वो भी इस प्रकार से उसमें लगी हुई है, तो जालियां इसके स्वभाव को काफ़ी कुछ बढ़ा देती हैं और थोड़ा संरक्षण के अभाव में ही थोड़ा सा मतलब कि इसमें संरक्षण का अभाव हमें देखने को मिल रहा है, इस कारण से थोड़ी इसकी बदहाल अवस्था है। बाकी इसकी मजबूती अपने आप में आज भी उसी प्रकार से है, चारों दिशाओं से अगर आप आते हैं तो चारों दिशाओं से उसी प्रकार से ये हमें दिखाई दे रहा है मकबरा। और आप, मैं चाहूँगा हमारे सहयोगी से कि ऊपर तक भी दिखाएंगे, इस प्रकार से अब थोड़ा थोड़ा सा टूटने लगा है ये पुराने समय से लेकर के आज तक। तो वाकई में काफ़ी अद्भुत मकबरा ये बना हुआ है और मैं चाहूँगा हमारे सहयोगी से कि और बताएं थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी प्रदान करें हमें राजेश। काफ़ी अच्छा लगा है मकबरा, इसमें बड़े बड़े पत्थर थे और ये अंदर से बहुत बड़ा था, उस मकबरे को देख के बहुत अच्छा लगा और ये थोड़ा सा अच्छा था। जैसा कि आप पीछे देख पा रहे होंगे मेरे पीछे एक बोर्ड है, इसे मध्य प्रदेश सरकार ने एक संरक्षित स्मारक घोषित कर रखा है जो कि आप बहुत ही पटानी कला का एक बेहतरीन नमूना आपको देखने को मिला यहाँ पर। और देखिए कि जैसा कि मैंने आपको इस मकबरे की जानकारी दी है, उसकी इस मकबरे की जानकारी इस बोर्ड पर आपको दिख रही होगी जो कि मध्य प्रदेश सरकार के पुरातात्विक विभाग द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा भी इसके बारे में कई सारे क्वेश्चन MPPSC में पूछे जाते हैं, काट करना पड़ेगा। बताओ, जैसे कि सिपा सलार क्या होता है, मुनव्वर खां का मकबरा कहाँ स्थित है, जैसे कि हम बता चुके हैं आपको सोपोर ज़िले में ये मकबरा स्थित है। तो काफ़ी अच्छा लगा होगा आप लोगों को मकबरे के बारे में जानकारी प्राप्त करके कि ये आज हम लोगों को भी कुछ नया और हमारे साथी को भी कुछ नया सीखने को मिला इस जानकारी के बारे में। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक में किसी नई जानकारी के साथ। थैंक यू।